हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती ऑल स्टेट सभी राज्यों की वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट टीचर अपडेट, इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे। खास खास पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैं यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सारी आपको इन्फॉर्मेशन जो भी इस वीडियो में दी जा रही है वो सभी आपके यूज की है और बहुत ही यूजफुल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, तो इसमें डेट जो है वो आप चेक कर लें। एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड FCSA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर एकेडमिक सेशन 2021-22। तो इसकी जो एडवर्टीजमेंट है 2 जुलाई 2021 को जारी हो गई थी, 2 जुलाई 2021 को जारी हो गई थी और यहां पर पीडीएफ की लिंक दी हुई थी, इससे एडवर्टीजमेंट आप पढ़ सकते थे। एडवर्टीजमेंट मतलब सैलरी और साथ में एज और क्वालिफिकेशन की डिटेल। और लिंक जो है जारी हो गई थी 2 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक जारी हो गई थी आपकी लिंक एप्लीकेशन की, तो बहुत ही कम वक्त रहता है 2 जुलाई से 11 जुलाई, मतलब 10 दिन से भी कम वक्त रहता है आपके पास कि आप एप्लीकेशन करें। तो आप अब जुलाई मतलब मई खत्म हो गया, आपके पास सिर्फ जून है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्वालिफिकेशन की डिटेल और उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन। जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू में फाइनली शॉर्टलिस्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इतना ही होता है यहाँ पर। एक अच्छी चीज यहाँ पर है कि केंद्रीय विद्यालय में पैनल बनाते हैं और उन्हें बाद में बुलाते हैं, कभी बहुत ज्यादा नहीं भी बुलाते, पर नवोदय विद्यालय में बिल्कुल ऐसा नहीं है। फाइनल सिलेक्शन होते ही वो आपको ज्वाइनिंग के लिए लेटर भेजते हैं, ईमेल करते हैं या फिर आपको कॉल लेटर भेजते हैं उसके बाद, या फिर आपको कॉल करते हैं। तो यहां पर जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हैं आपके 100% ज्वाइनिंग होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, अगर सब कुछ सही है तो फिर ज्वाइनिंग होती है। और उसके बाद वहां पर रेसिडेंस फ्री होती है आपको, एकोमोडेशन एंड फूड अगर स्कूल ओपन है तो वो अवेलेबल कराया जाएगा और सैलरी बहुत बेटर होती है आपके जो केंद्रीय विद्यालय में 27,500 पीजीटी के लिए, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे 35,000 के ऊपर अराउंड सैलरी होती है। तो अभी बिल्कुल वक्त आ गया, अगर आप कहेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कि पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी टीजीटी और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए क्या एज लिमिट के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि 30 मई हो चुका है, 2 जुलाई को लिंक जारी कर दी गई थी, ज्यादा वक्त नहीं दिया था। आप बहुत सारी गलतियां करते हैं इसमें, जैसे कि आप अलग एक जोन में, जैसे कि एक जोन में आप भर देते हैं एप्लीकेशन तो फिर आप दूसरे जोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक ही जोन में आपको अप्लाई करना होता है। ऑल इंडिया लेवल पर एक साथ रिक्रूटमेंट की नोटिस जारी की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से जोन में है, तो एक साथ जारी की जाएंगी जुलाई में मोस्टली। तो आपको मैं बता दूं भोपाल जोन में, चंडीगढ़ जोन में, हैदराबाद जोन में, जयपुर जोन में, लखनऊ जोन में, पटना जोन, पुणे जोन और शिलांग जोन, ये 8 जोन में 8 अलग अलग लिंक जारी किए जाएंगे। तो आप कहां पर कौन से स्टेट के हैं, ऑफ कोर्स आप वहां पर काम करना चाहेंगे, वो जगह आपके लिए कंफर्टेबल होगी, तो आप उसी जोन का वेट करेंगे लिंक जारी होने का और उसमें ही एप्लीकेशन डालेंगे। अदरवाइज आप अगर दूसरे, सपोज आप भोपाल मध्य प्रदेश में हैं और आप चंडीगढ़ के लिए डाल देते हैं इस एप्लीकेशन चंडीगढ़ जोन के लिए, तो फिर बाद में आप चाहेंगे कि अरे मैं भोपाल में हूं, मैं यहां पर करना चाहता था या करना चाहती थी एप्लीकेशन, तो फिर वो आप ब्लॉक हो जाएगा आपका, आपको फिर से नहीं करने देंगे। तो एक कोई भी कैंडिडेट किसी एक जोन में अप्लाई कर सकता है रीजन में, और सभी स्टेट कवर हो जाते हैं। तो भोपाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा के कैंडिडेट मतलब कवर हो जाए, मतलब इस नवोदय विद्यालय कवर हो जाते हैं। कोई भी कैंडिडेट कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी प्रेफरेंस होती है कि आप जहां रह रहे होते हैं वहां के लिए, तो वहां की लिंक जारी होगी, मैं वीडियो अलग अलग आपको बना के दूंगी। चंडीगढ़ जोन के लिए मैं चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब के स्कूल्स आते हैं नवोदय विद्यालय। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आईलैंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी के जवाहर नवोदय विद्यालय कवर होते हैं और यहां से वैकेंसीज आएंगी हैदराबाद जोन में। जयपुर जोन में दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान के स्कूल कवर होते हैं और जयपुर से जब लिंक जारी होगी तो मतलब यहाँ के नवोदय विद्यालय के लिए आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। लखनऊ जोन में उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल के नवोदय विद्यालय कवर होते हैं और लखनऊ की जब लिंक जारी होगी तो मतलब आप उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल के नवोदय विद्यालय में कहीं काम कर सकेंगे अप्लाई करने से, सिलेक्ट होने से। पटना जोन में बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के नवोदय विद्यालय कवर होते हैं और जब पटना जोन से लिंक जारी होगी तो मतलब बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में आप काम कर सकेंगे। पुणे जोन
संबंध में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली के नवोदय विद्यालय कवर होते हैं। जब पुणे से लिंक जारी की जाएगी तो आप इन सब के लिए एप्लीकेशन कर सकेंगे, यहाँ पर काम कर सकेंगे। और शिलोंग रीजन लास्ट रीजन है जहाँ पे मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, इसके नवोदय विद्यालय इन सब के कवर होते हैं। जब आप शिलोंग रीजन में अप्लाई कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पर ही कहीं पर काम करना पड़ेगा। तो बहुत आप ध्यान से इसे, अब जुलाई आने ही वाला है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं वापस एक वीडियो बना दूंगी कि पीजीटी कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए, पीजीटी, टीजीटी और बाकी सबके लिए क्या क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या रहती है और क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन वगैरह रहते हैं, इन सब के लिए अगर आप चाहेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना देती हूँ। तो जुलाई में ही आई थी लास्ट टाइम, इस वक्त भी जुलाई में ही, मोस्टली जुलाई और मिड जुलाई तक आ जाएंगी। जैसे ही आएंगी तो मैं वीडियोस अपडेट करती रहूंगी, अलग अलग वीडियोस बना के आपको उसकी सारी अपडेट्स पहुंचाती रहूंगी कि कौन से रीजन का आ गया। लेकिन याद रखना, एक रीजन में आप जब कर देते हैं तो फिर वो ब्लॉक हो जाता है, आप दूसरे रीजन में एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं, इंटरव्यू के क्या क्वेश्चन हैं, उन सबकी प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, ये सारी चीजें आप कहेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो, कमेंट सेक्शन में अगर आपके कमेंट काफी आते हैं तो मैं फिर से एक डिटेल वीडियो बना दूंगी सभी चीजों के लिए।